दिस इज रहान, आप देख रहे हो फीसल रहान। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड वेल गाइस। सो फाइनली 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 भाई, आज मैं गांव जाने वाला हूँ गाइस। और गांव जाने का दिन में इतना काम आ जाता है ना, मतलब नेवर एक्सपेक्ट की, मतलब काम कितना है भाई, बहुत काम। जितना भी गिरा हूँ अभी, मतलब खुद मेरे को याद नहीं है। जैसे जैसे स्टेप बढ़ाऊंगा काम बढ़ता जाएगा गाइस। तो अभी पहले तो कपड़े वपड़े देख लूँ, कौन सा धुला है नहीं धुला भाई। कपड़े भी मेरे को नहीं दिख रहा था भाई आज, तो क्या हो गया गाइस। Which one? एक ये हो गया। So guys, अभी तक ना मेरा आंख देख रहे हो, अभी तक लालनेस खत्म नहीं हुआ भाई। मतलब ड्रॉप लेकर ही जाना पड़ेगा। दो दिन के लिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बस ड्रॉप लेकर जाएंगे और जैसा होगा मतलब फीडबैक तो मिलता रहेगा। हर वीडियो में देखते रहो कैसा मेरा आंख नहीं है, बट फिर भी पहले से बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। और गाइस अगर जिसको हुआ ना, सिप्लॉक्स डी यूज़ करो, बहुत तगड़ा वाला ड्रॉप है। तो चलते हैं गाइस अभी पहले क्या बोलते हैं मैदान मार्केट, वहाँ पे मैं अपना मतलब यूट्यूब का नेम का बोले तो एक जर्सी बना रहा हूँ, जो मतलब क्लब का होता है ना जर्सी, वो चीज़ अपना यूट्यूब के नेम से बना रहा हूँ। तो पहले वहाँ पे चलते हैं, बना कि नहीं बना, कल का ऑर्डर देवा, पता नहीं अभी तक बना कि नहीं बना, वो चीज़ पहले देख लेते, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा गाइस। तो निकलते हैं यहाँ से फटाफट। पता नहीं भाई कैसा वो बनाया होगा, कैसा प्रिंट किया होगा, आई डोंट नो, वहाँ जाके पता चलेगा गाइस। तो टाइम भी बहुत कम है ना भाई, बहुत ज्यादा कम टाइम आप। और गाइज हम आ गए हैं मतलब प्रिंटर वाली दुकान पे भाई, और देख सकते हैं मेरा रेहान, मेरा स्क्रैच बन रहा है, हनखन ऑफिशियल गाइज। फाइनली हम यहाँ से आउट हो रहे, ले लिए भाई। गाइज यार एक तो टाइम नहीं, ऊपर से भाई आधा घंटा मुसलसल बैठा दिया हम लोगों ने, तो फाइनली हम ले लिए हैं गाइज। बड़े पू अभी तक यही है, देख रहे हो बड़े पू से आए देख, लेकिन बड़े पू अभी तक निकले नहीं है, पता नहीं कब जाएंगे। अखाड़ा इनके बिना अधूरा है भाई, बड़े अब्बू के बिना खड़ा अधूरा भाई। तो हम सिफारिश कर रहे जल्दी जल्दी निकलिए यहाँ से, ठीक है ना, मेरे साथ निकलिए, ठीक है। मेरा अभी 14 नंबर है, मतलब कन्फर्म हो जाएगा लग रहा ना पैसा। फाइनली गाइस हम आ गए हैं वहाँ से, मतलब जर्सी भी तगड़ा वाला भाई, वो चीज़ में देखे ही हो गया, जब पहनूंगा तो और तगड़ा लगे। मतलब एक रात सिर्फ पहनने वाला हूँ वो जर्सी को। और यहाँ पे ना मैं मतलब रास्ते के लिए थोड़ा सा चिकन विकन बोले तो, अभी भी ना तेरा वेटिंग है भाई, तेरा वेटिंग में हम दोनों भाई हैं, मैं हूँ सहबाज है, पता नहीं कन्फर्म हो पाएगा कि नहीं, आई डोंट नो, मेरे को तो नहीं लग रहा क्योंकि 2 घंटे बचे हुआ, तेरा वेटिंग है गाइस। तो पहले कुछ बना लेते हैं उसके रास्ते के लिए, उसके बाद ऐसे एक्चुअल में चिकन। ये रहा हमारा चिकन, और ये मतलब प्याज व्याज फ्राई हो रहा है ये गाइस, वाओ तगड़ा। इतना बोले तो बिजी हूँ ना, इतना मतलब टाइम बिल्कुल भी नहीं है ना कि मतलब हम इसको फ्राई करके बनाए, इस वजह से बिना फ्राई किए हुए बना रहे भाई। और फाइनली गाइस अल्हम्दुलिल्लाह भाई अच्छे से चिकन बना के अच्छा से खाया हूँ, और फाइनली अब निकल गया हूँ जोड़ा की जमी। जिस टाइम हम टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं, अभी भी आधा घंटा मत से ऊपर ही है मेरे पास, समझ रहे हो गाइस। सो कोई मतलब जल्दी नहीं है अभी वहाँ पे जाने का, बट कंफर्म नहीं हुआ अभी तक टिकट, ठीक है ना। सो प्रे फॉर मी कंफर्म हो जाए भाई। तो अभी वहाँ शहबाज किससे चैटिंग कर रहे हैं आप? और फाइनली भाई टैक्सी मेरे को मिल गया भाई, और हम यहाँ से निकल रहे सियालदह स्टेशन के लिए गाइस, ठीक है ना। वी आर गोइंग टू सेफ, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करना भाई अच्छे से पहुंच जाए। अच्छा हो सकता है रास्ते में कोई खाली मिल जाए तो मिल जाए, कोई नहीं। शहबाज पीछे अभी तक चैटिंग में लगा बंदा। और यहाँ पे मौला अली के जस्ट नज़दीक में मैं पहुँचा भाई, दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ रहता है भाई। और भाई हमारी बहनें बोली थी भाई यहाँ से डाब लेने के लिए, तो देखते हैं अगर डाब मिलता है तो डाब ले लेंगे। और नारियल भी, एक बहन नारियल का ऑर्डर किया भाई, एक बहन डाब का ऑर्डर किया गया, तो किधर मिल रहा नारियल और डाब देख रहे। और कई सारे मार्केट भाई मैं घूम रहा हूँ, बट अभी तक ना मेरे को बोले तो डाब और नारियल कहीं दिखा नहीं है। सियालदह स्टेशन में भाई इतना रात में मुश्किल है इसकी कहीं नारियल और डाब दिखे, बट फिर भी कोशिश कर रहे हैं हम अपनी बहनों का मोहब्बत को लेकर। तो डाब आप नहीं मिलेगा क्या बाबू? हाँ आगे मिलेगा भाई, अभी और आगे कितना आगे देखेंगे, आगे पहले देखते हैं। फाइनली हम सियालदह स्टेशन में प्रवेश करने वाले हैं भाई,
इधर भी मार्केट नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। अभी यार गोइंग टू इनसाइड कोलकाता में इतना कादा है ना भाई, इतना बोले तो रोड कचड़ा है ना कि स्लीपर ही पहन के निकलना पड़ा भाई, और बहुत कंफर्टेबल लगता है स्लीपर पहन के ही कहीं भी सफ़र करो तो बेहतर है। ये वाला दोनों भाई हम लोग सेम है नहीं। आइज देख रहे हो यार, स्टेशन में भी या हुसैन का नारा लग रहा भाई। ये है मुसलमान, देख रहे हो गाइस स्टेशन में भी या हुसैन। फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कोई बोले तो इंटरनेशनल स्टेशन में भाई इस तरह का नारा लगते हुए या इस तरह सा का बोले तो नेवर से एनीथिंग अबाउट इट। और अपन को चलना भाई 13 नंबर प्लेटफॉर्म पे। किधर है 13 नंबर? हमको तो नींद ही नहीं आ रहा यार ट्रेन पे, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया, ट्रेन को कुछ हुआ या मेरे को कुछ हुआ, आई डोंट नो, मतलब नींद ही नहीं आ रहा जरा। स्टेशन पर और फाइनली हम लोग भाई कोडरमा स्टेशन में बोले ना राइट टाइम पे हम लोग उतरे हैं कोडरमा स्टेशन पे, ठीक है। और यहाँ से मेरे को वो पार जाके फिर बस पकड़ना पड़ेगा, वहाँ से फिर 1 घंटा, तो ये भी बोले तो अलग ट्रेजेडी है गाइस। कैसा लग रहा, हाउस बोले तो कैसा लगा आपको ये सफ़र का एक्सपीरियंस कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और ये सफ़र अच्छा रहा। क्या बोला आप लोग की दुआ थी, ये सफर अच्छा रहा। बिल्कुल गाइस, सो ये बात है कि नींद पूरी नहीं हुई, इंशाल्लाह पूरी नींद पूरी सफर में होती है। और ये हमारा ट्रेन भाई अजमेर के लिए रवाना हो चुकी है, देख सकते हो गाइस बहुत अच्छा रहा। हाँ यार सहरी तो किया ही नहीं हूँ भाई, और रोजे का तो खैर पता नहीं, मैं चाह रहा कि 10 और 11 रखूँ। क्या बोल रहा है? हाँ नहीं है? आज अगर हिम्मत करनी है तो हो जाएगा। हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, एक तो रात भर के जागे हुए भाई, ऊपर से कुछ खाए नहीं है, रात में जो चिकन बनाए थे बोले तो हेवी वाला वही वाला खाए हैं। अक्सर ट्रेन पे कुछ बिकने भी नहीं आ रहा बाबा, कहा सिवाय चाय के गाइस। सो मेरे को नहीं लग रहा कि हम हिम्मत कर पाएंगे, शहबाज का पता नहीं, हिम्मत करेंगे तो हो जाएगा, हम लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। शहबाज को लग गया भाई पेशाब, तो 5 रुपये दे के ये पेशाब कर रहा है। गाइस जो कल का ब्लॉग आने वाला है ना, एकदम तगड़ा वाला बोले तो वन ऑफ द यूनिक ब्लॉग आने वाला है, बोले तो हेवी वाला इंतजाम के साथ पूरा मोहल्ला का जो अखाड़ा होने वाला है ना गाइस, वो मैं पूरा ए टू जेड ट्यूटोरियल में बताऊँगा, ए टू जेड में दिखाऊँगा, ठीक है ना। सो पहले चलते हैं गाँव का रिएक्शन क्या रहता है, कितने बंदे आए हुए, कौन कौन आए हुए भाई, क्या पैगाम हैं लोगों के, वो चीज़ें मैं देख लेता हूँ पहले। और काफ़ी हद तक बोले तो राइट टाइम पर था गाड़ी हमारा। तो गाइस अब बाईपास से भाई हम लोग टोटो किए हैं और टोटो करके हम लोग जा रहे हैं घर रखे हो। सो गाइस अब चलते हैं नदी का नज़ारा कराएंगे, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे ना मैसा का भाई मेरे को दिख रहा, तो यहाँ पे मस्त है का। और ये रहा मैसा का अखाड़ा भाई, तगड़ा वाला जमता है इस मॉर्निंग में, तो अभी ये लास्ट हो रहा है इन लोगों का शायद। महासाय वालों लोग का ना एक परंपरा है गाइस कि मॉर्निंग में 5 बजे निकाल देगा और 7 बजे तक ख़त्म कर देगा, और फिर निकालेगा हम लोग के साथ, समझ रहे। तो अभी मतलब निकला हुआ लास्ट चल रहा हूँ उन लोगों का, फिर हम लोगों के साथ निकालेगा 9 बजे, तो वो चीज़ को भी मैं दिखाने वाला हूँ कवर करने, बहुत तगड़ा वाला खड़ा उन लोगों का भी होता है। देख रहे हो पीछे पूरा कंटिन्यू खाड़ जमा हो भाई, या हुसैन मान लगा देख सकते हो। ये कश्मीर देख रहे हो, ब्यूटीफुल कश्मीर, यू कैन सी दिस प्लेस गाइस, एंड नेवर एक्सपेक्ट तो तगड़ा वाला। If you do the nail, cut you right at the heel, and it hurts.
रोटेशन भाई रोटेशन गाइस फाइनली हम आ गए अपने मोहल्ले में भाई। उधर से आके फटाफट सो गए थे, सोने के बाद अभी नौ दस मैं बोलता हूँ भाई, तो थोड़ा फ्रेश होंगे उसके बाद जाएंगे अखाड़ा की तरफ गाइस। तो घर का माहौल ही तो एकदम अलग है, सब हाँ हम ही में समझ रहे, मतलब कोई इधर कोई ये कर वो कर रहा, मतलब पता ही नहीं मतलब कौन सा आसमान में लोग चल रहे गाइस। सो पहले हम फ्रेश होने देख कपड़ा मेरा प्रेस करने गए गाइस, तो अभी प्रेस करके फिर निकलेंगे। एडोरेबल रहता है गाइस। सो फाइनली आज 9 का मतलब डे है और 10:30 बजे अभी तक अखाड़ा निकला नहीं है, बोले तो बहुत लेट कर रहा मेरे मोहल्ले वाले ना, बहुत लेट कर रहे गाइस। और जुमा का दिन है, जुमा भी पढ़ना है, अखाड़ा में भी शामिल होना है, तो बहुत बोले तो बहुत मुश्किल है। सो कोशिश करेंगे जहाँ तक होगा भाई आपको पूरा क्लियर टू क्लियर दिखाने का कोशिश करेंगे कैसा मेरा अखाड़ा रहता है, कैसा भाला ए बाना ए तरवार ए गड़ासा ए, मतलब हर चीज़ें मतलब यूनिक चीज़ें समझ रहे हो, एक से एक खिलाड़ी हमारे मोहल्ले में मिलेंगे आपको। तो भाई मैं वो चीज़ों से मतलब आपको महरूम बिल्कुल भी नहीं करने वाला, फाइनली अभी नाश्ता कर रहा हूँ, नाश्ता करके और ये देख रहे हो ये पूरा मतलब गार्डिंग यही करेगा, पूरा अखाड़ा का गार्डिंग तुम्ही करेगा ना, अखाड़ा का गार्डिंग। हाँ ये हसन है मेरा भांजा, बड़ा वाला भांजा गाइस। सो यही पूरा इधर 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 देख, वाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है नहीं माशाल्लाह। तो भाई इसी को गार्डिंग में लगाएंगे, मतलब बोले तो पूरा पूरा खाड़ा को सेफ्टी वेफ्टी के लिए बस यही रहेगा। और चश्मा किधर गया मेरा चश्मा, वैसे मैं चश्मा हाँ चश्मा लेते गाइस उसके बाद फिर निकलते हैं हम यहाँ से, और क्योंकि काफ़ी लेट हो गया भाई और 2 घंटे के अंदर में हो सके तो अखाड़ा ख़त्म हो जाए। और वो चीज़ दिखाने वाला हूँ ना जहाँ पे बोले तो कि पूरा नदी में ताजिया मिलता है, 16-17 गांव का भाई एक जगह ताजिया मिलेगा और एक दूसरे का पैकार जाके मतलब मुरछल से आगे पीछे करे, बहुत ज़बरदस्त वाला मंजर रहता है गाइस। सो कोशिश करूंगा भाई पूरा एडवेंचर ट्यूटोरियल दिखाने का, एडोरेबल गाइस। सो बस हम यहाँ से निकलने वाले, अब मेरे भाई लोग अभी तक रेडी नहीं हुए यार, चलो देखते हैं क्या कर रहे लोग। अरे आप लोग क्या कर रहे हो यार, अखाड़ा वहाँ रेडी होने वाला है यार, आप लोग सोए हुए बैठे हुए, व्हाट इज़ दिस, क्या डिस्कशन चल रहा आप लोगों का? ज्ञान की बात हो रही है, ज्ञान की बात हो रही है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वी आर आउट फ्रॉम दिस हाउस एंड अपने भाई लोगों को लेकर भाई साथ में चलते हैं, ठीक है ना गाइस। फाइनली भाई लोग भी रेडी है भाई, एक शहबाज ऊपर में कहा हुआ तेरे लोग रेडी नहीं है भाई, व्हाट इज दिस यार, अच्छा सिंपल है ये सिंपल लुक है, अल्लाह रहम करे। सो फाइनली हम लोग अब भाई सफर हुसैन के लिए रेडी हैं भाई, पीछे हमारे भाई लोग, क्या कुछ कहना चाहोगे? वाह पूरा स्टार लगाया अरे भाई, मौलाना कुछ कहना कहता है मौलाना, सब्सक्राइबर लव यू। अरे ये भाई सरकार की आमद मरहबा, गुलजार की आमद मरहबा हो रहा है गाइस, सब लगा ले बॉक्स ना यहाँ ना है बॉक्स। और भाई यहाँ से हमारा बोले ना ताजिया उठ गया है, देख सकते हो निशाना कई निशाने हैं भाई यहाँ पे हमारा, ये हमारा में बड़ा गाइस और हमारा अखाड़ा ना वहाँ चले गया, ठीक है तुम कर लूँ आपके लिए बाप, क्या गरज जरा रे भाई माइक में जबरदस्त वाला चोंगा लगाया भाई लोग, तगड़ा वाला गाइस। सो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं बाजार की तरफ भाई अखाड़ा जमाने के लिए, देख सकते हो आप Yeah।
बाजार में बोले तो अभी महमूद के घर के पास है और पानी वानी का सब कुछ इंतजाम आता है और यहाँ से हम लोग अभी नमाज पढ़ेंगे फिर अपना अखाड़ा लेके आगे बढ़ेंगे भाई, ठीक है। और गाइस हमारा ना नमाज का टाइम हो गया भाई और सब लोग नमाज के लिए निकल रहे हैं, देख सकते हो आप गाड़ी को इकट्ठा एक जगह पे स्थानीय जगह पे खड़ा कर दिया गया। कल तो गाइस शाहरुख और हसनैन का भाई एक पर्सपेक्टिव है भाई, ये लोग मतलब नदी में खड़ा रहेगा तो नहीं आएगा, समझ रहे हो, बाजार में आएगा तब क्योंकि काला हो जाएगा, नदी में जाएगा तो काला हो जाएगा। क्या बोल रहे हो दोनों, देख रहे हो बाप पूरा मैचिंग मैचिंग कपड़ा और ये चश्मा पहन के आया बंदा लोग। सो फाइनली हम लोग जा रहे हैं भाई अब नमाज पढ़ने के लिए, नमाज का टाइम हो गया है और बोले ना इकट्ठा साइड में इसको कर दिया गया, हम लोग नमाज पढ़ के फिर से यहाँ से बोले तो काफला बढ़ाया जाएगा। और फाइनली अभी दुर्गा वाले लोग खेल ही रहे भाई, तो चलते हैं देखते हैं ये लोग नमाज नहीं पढ़ता है, क्या बोल रहे थे यार दुर्गा वाले, जितने भी ऑडियंस देख रहे हो भाई प्लीज नमाज पढ़ लो यार, पहले नमाज है मेरे भाई, देख रहे हो ये लोग सच में यार अभी तक खेल ही रहे भाई, व्हाट इज दिस, नमाज नहीं पढ़ेंगे आप लोग क्यों यार, देख रहे हो यार वाह क्या खेला है फाइनली इजहार तो बोला भाई नमाज पढ़ेंगे तो देखते हैं और चलते हैं मस्जिद, मस्जिद में भी आज बहुत भीड़ होगा भाई, बहुत ज्यादा भीड़ होगा भाई, मस्जिद देखो अभी तक खेल ही रहा बंदर नहीं, मतलब हटने की कोशिश नहीं कर रहा, मतलब एक जोश एक जुनून होता है ना भाई, तो चलते हैं मस्जिद में अगर जगह मिलेगा तो ठीक है ना भाई, काफी बोले तो भीड़ रहेगा, इधर से सीधा ना चचा खुर्शीद का भी शादी बने देख सकते हो, दोनों गाल फुलाओ भाई क्या लग रहा भैया, अभी तो बाजार सन्नाटा दिख रहा है बट कुछ बोले तो आफ्टर नमाज आपको सन्नाटा दिखने के दिखेगा नहीं, पूरा ये सब क्राउड में तब्दील हो जाएगा भाई। गाइस हम आ गए मस्जिद और थोड़ा नमाज पढ़ लेते हैं फिर, अभी तक खुतबा स्टार्ट नहीं हुआ ना, यहाँ पे ना स्टार के ग्रुप बैठे हुए भाई, दादा हमारे हाथ से आए भाई, और हम लोगों का नमाज भाई खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और अब जा रहे हम लोग दोबारा से अखाड़ा खड़ा करेंगे, ठीक है ना, काफी लोग चले गए हैं और हम लोग बस ये तकिया पर का ताजिया है, और गाइस ये सरकारी ताजिया हमारे यहाँ का रजौली का सरकारी ताजिया,
गाइस एक प्रॉब्लम ये हो गया था ना कि ये स्टिक ना व्लॉग स्टिक हम मस्जिद में छूट भूल गए थे। एक्चुअली मैं नहीं, मेरा छोटा वाला भाई भूल गया था, तो अभी मतलब इतना लेट हम लोग को याद आ रहा है। एक्चुअली मैं यहाँ तक आ गया, बहुत भारी तादाद में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बोले तो इजलास कर, बहुत तगड़ा वाला गाइस, और आगे चल के और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लास्ट में ना वहाँ पे जब ताजिया मिलता है ना वहाँ पे तो एडोरेबल भाई, नेवर एक्सपेक्ट। तो प्लीज़ बने रहना हमारे वीडियो में, ठीक है। बहुत हेवी वाला जमा हो भाई। और तीसरा अखाड़ा हमारा बीज बाजार रजौली में भाई प्रवेश है, देख सकते हो आप। हम लोग बीज बाजार रजौली में अखाड़ा जमा रहे गाइस। Thank you.
और गाइज हमारा ये अब ताजिया खानी स्टार्ट हो गया। ताजिया देख सकते हो कितना खूबसूरत खूबसूरत ताजिया बना हुआ। अरे भाई फाइनली गाइस हमारा अखाड़ा बोले ना लास्ट बोले तो वो मंडप के पास आ गया। बोले तो आड़त आड़त इसको आड़त बोलते हैं और यहाँ पे लास्ट एंड होता है हम लोगों का। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इसके पीछे हमारा यहाँ पे करबला है और करबला में लोग बोले तो ताजिया वगैरह मिलाया जाता है बट आज लेट की वजह से सब लोग बाजार में ही मिला दिए ना इस वजह से और लास्ट यहाँ पे हो गया। हम लोग फिर रिटर्न घर जाएंगे। देख सकते हो अभी तक मातम सबसे लास्ट हमारा ही मातम चल रहा भाई जबरदस्त वाला मातम भाई देख रहे हो सब अपने अपने घर निकल गए बट अभी लोग है जो अभी तक मैदान में टिके हुआ गाइस सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें इस तरीके का वीडियो और भी देखने के लिए यूट्यूब पे बने रहे। और गाइस वो रहा हमारा करबला देख रहे हो ये जो देख रहे हो आप ये हमारा करबला साइड भी नहीं। क्या बोलना चाह रहे कुछ बोल रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं ताजिया नहीं मिला आपको? ताजिया तो यहाँ कुछ हर साल यहाँ मिलना चाहिए दुकान यहाँ कुछ नदी में सही बात है। इस बार हाँ, नहीं मिला नहीं इस बार नहीं मिला बिल्कुल हाँ बिल्कुल गलत किया गया है। ये लोग जब बोला यहाँ कोई सब्जी फरोश वाला हाँ, कि नमाज के बाद होगा यहाँ कुछ ताजिया मिलेगा तो हाँ, पहले ताजिया यहाँ कुंजड़ा लोग नहीं कुंजड़ा सब्जी फरोश गलत किया भाई। एक्चुअली 5 बजे तक टाइमिंग था ना उसका इस वजह से क्या बोलना चाहते शकील भाई ना हम क्या अरे कुछ बोले ना भाई मेरा नौसाद भाई जो बोल दिया वही बहुत काफी है। आप कुछ बोलिएगा भाई आप लोग पचम्बा आप कुछ बोलिएगा भाई पचम्बा। सो फाइनली आज हम लोग भाई घर आ ही गए हैं और मिलते हैं कल दिन का एक ब्लॉग आएगा और कल रात का तो भाई पूरा का रात के बारे में कुछ बोलिएगा कल रात का क्या प्लानिंग है कैसा रहेगा कल रात का हमें तो पूरा धूमधड़ाम क्या खेल की धूमधड़ाम नहीं सब खेलेगा जो तलवार गड़ासा बाना जितना सब खेला होगा पहले 6 फीट भी उड़ाएगा अभी देखो ना भालू भी बनेगा जानवर भी बनेगा जानवर भी बनेगा बिल्कुल बिल्कुल रकीब खान के वहीं अभी पूरा हुआ है। बड़े बड़े कलाकार आए हुए हैं भाई इस बार तो बोले तो धमाल होने वाला ठीक है ना। सो हम लोग प्रिपेयर करते हैं रात भर फिर मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू भाई। उधर से थक भर के ये लोग मतलब मातम करके आया भाई इधर नहाना स्टार्ट कर दिया भाई चले उत्तर थक गया देख रहे भाई यही तो इसको खूबी है भाई हमारी कश्मीर की देख रहे हो इधर झरना चल रहा बंदर लोग आके नहा लिया जाके रोजा खोल लेगा।